हिंदू परंपरा के अंदर ये नवरात्रि के जो प्रसंग हैं, ये तो देवी माँ की उपासना के लिए थे। नवरात्रि पवित्रतम रात्रियां कही जाती है, पवित्रतम दिन कहे जाते हैं। ये आसो जो चैत्र महीने में आती है, ये साधना के लिए, मंत्र साधनाओं के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, सत्व को प्राप्त करने के लिए, इष्ट की सिद्धि के लिए, अंतरतम की शक्तियों को जगाने के लिए, कुछ अच्छा हासिल करने के लिए होती है। समझदार हिंदू और समझदार जैन, श्रावक श्राविका और समझदार हिंदू और समझदार जैन, साधु संत इन दिनों में साधना में बैठते हैं, मौन रहते हैं, ब्रह्मचर्य का परिपालन करते हैं और आगे बढ़कर के शक्तियों को साधते हैं। उस जमाने में देवी माता की आरती करना, घट स्थापना करना, देवी माता को रिझाना और पुरुष एक तरफ, महिला एक तरफ, महिला महिलाओं की जगह में, पुरुष पुरुष की जगह में देवी माता को बीच में रख करके मात्र उनके हाथ से गरबे लें और इस प्रकार उनकी भक्ति करें, ये परंपरा थी नवरात्रि की। उसके बाद में मात्र गुजराती स्टाइल में डांडिया आए थे तो बहनें बहनों में खेलती, बीच में देवी माँ की स्थापना की जाती, पुरुष पुरुष में खेलते और इस प्रकार नौरते रखते, नवरात्रि पालते, खान पान का ध्यान रखते। उन दिनों में कोई शराब नहीं पीता, गुटके नहीं खाता, चाय तक नहीं पीता, व्यसन नहीं करता, अलग अलग शयन करते, पति पत्नी अलग अलग रहते, ब्रह्मचर्य की साधना करते, संपर्क नहीं करते, शुद्धता प्राप्त करते और इतने सारे भोग विलास की जिंदगी के बीच में, इतने सारे विषय वासनाओं के बीच में कोशिश करते कि कुछ दिन पवित्रता के साथ में बिताएं ताकि देवी माताओं के सानिध्य प्राप्त करके हम शक्ति संपन्न बन सके, उनके आशीर्वाद अपनी जिंदगी में फल सके। गरबे गई, फिर डिस्को आया, नाना प्रकार के धुने आई, नाना प्रकार के गायक आए, कई कंपनियां, कई संस्थाएं इसमें कूदी, कई सारे लोगों ने धन कमाना शुरू किया, छोटे बड़े ये डांडियों के अलग अलग कार्यक्रम होने लगे, सब लोग ललचाने लगे। देवी माँ एक तरफ रह गई, देवी की साधना एक तरफ रह गई, नवरात्रि की पवित्रता एक तरफ रह गई, घट स्थापना एक तरफ रह गई, गरबे लेने का भाव एक तरफ रह गया, आरती और देवी माँ को रिझाना, मात्र शक्तियों को प्रेरित करना, ये सब एक तरफ रह गया। आज डांडिये खेलने वालों में से किसको पता है कि साधना क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, ये क्यों है नवरात्रि, इसका हेतु क्या था, इसका रीजन क्या था, ये क्यों खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, तो क्यों नहीं खेलनी चाहिए। मेरा ही नहीं, भारत के कई सारे अखबारों का, कई सारे समाजविदों का, कई सारी अन्य सामाजिक संस्थाओं का ये सर्वे वर्षों से रहा है, समय समय पर किया जाता रहा है कि नवरात्रि के महीने दो महीने के बाद में जितने गर्भपात होते हैं उतने गर्भपात बाकी के 11 महीने में नहीं होते। तो ये व्यभिचार नहीं है तो क्या है, ये दुराचार नहीं है तो क्या है, ये जीवन की भ्रष्टता नहीं है तो क्या है। इस बात पर मैं कुछ वर्षों पहले बोला था, अभी किसी ने वो वीडियो वायरल कर दिया और उस वीडियो को लेकर के अखबार ने लिखा। मैंने कहा जो सच है वो सच है कि हम अपनी साधनाओं को बचाएं, बेच ना दें, हिंदू धर्म की परंपरा हो कि जैन धर्म की परंपरा हो, कोई भी उत्सव महोत्सव हो। मैंने समय समय पर यह भी कहा था, गणपति अगर हिंदू धर्म के देवता हैं और गणपति के महोत्सव अगर मनाए जाते हैं या उनका आराधना अगर किया जाता है तो उसमें कहीं जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, गणपति के नाम पर तमाशे नहीं करने चाहिए, लड़कियों के साथ में नाच गान नहीं होने चाहिए, गणपति लड़कियों को छेड़ने के लिए महोत्सव के तौर पर नहीं आ रहे, लड़कियां अपनी जगह पर हो, पुरुष अपनी जगह पर हो, वहां शराब नहीं पी जानी चाहिए, उनके पैसों का प्रपंच नहीं होना चाहिए, गणपति को सेलेबल नहीं बनाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म अगर इन चीजों को नहीं संभालता है तो धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का विनाश होगा। सिखों ने अपनी धर्म परंपराओं को संभाला है, मुसलमानों ने अपनी धर्म परंपराओं को संभाला है, ईसाइयों ने अपनी धर्म परंपराओं को संभाला है, उनके जो ओकेशन होते हैं वो दूसरों को इंटरफियर करने नहीं देते, वो उसमें घालमेल नहीं करते। हिंदू और जैनों को इस बारे में सावधानी रखनी आवश्यक है, कल ऐसा ना हो जाए कि पर्युषण महापर्व के दिन आए या राखा तीज का दिन आए या कार्तिक पूर्णिमा का दिन आए और कोई उसे किसी प्रतिष्ठान के नाम पर प्रोजेक्ट कर ले कि चलो अब महोत्सव को इस प्रकार मनाएंगे उस प्रकार मनाएंगे, तो 25 साल 50 साल के बाद में ऐसा हो सकता है कि हमारी ओली की आराधना या हमारे पर्युषण महापर्व की आराधना का रूप रंग बदल जाए। जैसे मैंने नहीं कहा था कि मात्र संगीतकारों को बुला करके हम 9 दिन की भक्ति रख लें, सुबह भी भक्ति रात को भी भक्ति, ठीक है, और इस प्रकार पर्युषण आगे बढ़ जाए और अच्छी खासी संख्या के अंदर वे आधुनिक संगीतकार आधुनिक धुनों पर बहुत गाए और नौजवान लड़के लड़कियों को मजा आ जाए, सब वहीं पर जाए, तो 10 साल 15 साल तक अगर ऐसा चले तो आज एक ने किया कल दूसरा करेगा परसों तीसरा करेगा अब चौथा करेगा, धीरे धीरे साधुओं के व्याख्यान में कोई नहीं जाएगा, पर्युषण महापर्व के प्रवचन एक तरफ रह जाएंगे, कल्पसूत्र जी हवा खाते रह जाएंगे और पर्युषण का रूप बदल जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी तो बहुत छोटी है, मैं तो कल दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन भगवान के शासन की परंपराएं नहीं मरनी चाहिए, हमें उन्हें जिलानी होगी।